पता नहीं बैठे बैठे बलू को क्या हो गया, प्री बर्थडे का करवाना शुरू कर दिया। नहीं 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 इसको रख दो, इसको रख दो, तो मुर्दा सिम के लिए लेना है तो ले लो। अच्छा हाँ बात है, ये तुम्हें एक बात है, ये तुम्हारा प्री बर्थडे है। अच्छा हाँ, अब मैं अपनी बर्थडे पे तुम्हें इतने सारे से दुकान में छोड़ दूँ टी शर्ट्स। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू अवर न्यू डे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे। और ये देखो मेरे टुट्टू को, टुट्टू कहाँ हुआ, कौवा। अभी अभी लाइट आई है तो टुट्टू हमारा बहुत खुश है। अभी हमें बनाना है आज के नाश्ता। अच्छा हाथ की अगर हेल्थ की अपडेट दी जाए तो हाथ की हेल्थ की अपडेट ये है कि अभी वो थोड़ा सा बीमार है और मुझे जो सिम्टम्स मिल रहे हैं मुझे भी वही पुराने वाले सिम्टम्स मिल रहे हैं कि जिस्म में बहुत तकलीफ़ हो रही है, पैरों में बहुत तकलीफ़ हो रही है, सर में बहुत दुखान हो रही है। ये सारे सिम्टम्स तो मेरे साथ भी भाई साहब हो रहे हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे बीमार पड़ूँ, क्योंकि मुझे अपने छोटे बेबी को देखना होता है। अल्लाह पाक इसके लिए मुझे ज़िंदगी दे, सेहतमंद ज़िंदगी दे, इसके बाप को सेहतमंद ज़िंदगी दे। और आहार आहार नाश्ता दे दूँ, तुम बुड्ढों की तरह क्यों खांसते हो? तो मेरे दादा ऐसे खांसते हैं। ये देखो नाश्ता दे दूँ, भूख लग रही है ना, वो खा के फिर अपनी विटामिंस खाओ। और गाइस ये क्या, ये क्या है, घर है नहीं ये। और ये देखो गाइस हमारे घर में चप्पल चोर आया है, चप्पल चोर हमारा। बाहर का मौसम आज भी धूप वाला है, ये देखो क्या ये बादल कौन आदि, मेरे बालों का पूरा कलर ख़राब हो गया है। सही कह रहे हो, वैसी गंजी हो रही हूँ, पूरी गंजी हो रही हूँ। और गाइस हम लोगों को एक लेट, ये देखो ये 10 का नोट फाड़ दिया, ये देखो आहत फाड़ दिया, फाड़ दिया। और दिया। ये देखो ये लो, फिर बाद में बोलेगा कि तुमने चोरी कर लिया। और ये आई थिंक ये तुम्हारे एनआईसी की कॉपी भी फाड़ दी थी। और भी पता नहीं कितने सारे नोट ले जा ले जाके अलैन को दे रहा था, यही नोट लेके आई हूँ, बाकी तुमने अपने वॉलेट छीन लिया था। 50 रुपये मासी के पास लेके, मासी बोलती बाजी अपने साथ पैसे ले जाए, मेरा नहीं तो कहती लेकर आए, मेरा मैसी को तो दूंगी कि जा मासी को पैसे दूंगी। इसको आहत के वॉलेट में, आहत को ना बहुत शौक था कि मेरे बच्चे को ना पैसों की पहचान हो, इतनी पैसों की पहचान हो गई कि वो पैसे वॉलेट में ही घुस जाता है। जान अंडा वंडा बना के दूँ या बस केक और रोटी खाओगे? बात सुनो अपनी शक्ल दिखाओ, तुम्हारी शक्ल तो बहुत उतर गई है यार, अब बेहतर हो। वगैरह बनाते हैं एंड देन फिर हम आते हैं, तब तक हम इतना इस छोटी दुनिया को भी ना, इनको कहते हैं मीठे, जो खाएगा मीठा मीठा हो जाएगा। मैं फजूल के जोक्स क्यों करूँ, आज मेरा दिल बहुत ख़राब है और मेरा इतना दिल कर रहा है शॉपिंग पे जाने का, लेकिन मेरी तबीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी। बीमार क्यों होता है बंदा गाइस, बीमारी है ही क्यों? अल्लाह मियाँ बीमार ना दिया करें लोग, मतलब बीमारी ना दिया करें। ऊपर से मेरे बाल सारे गंजी हो गए हैं, कभी कभी सोचती हूँ मुंडन करवा लूँ, बट गाइस बस अल्लाह पाक से दुआ करो, अगर आपको कोई बहुत बड़े दुश्मन मिले अल्लाह उसको कोई कैंसर की बीमारी ना दे। सबसे ज़्यादा दुख जो है ना मुझे मरने का भी नहीं होगा जितना मेरे गंजा होने का हो रहा है। बेस्ट बिफोर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, एक्सपायर नहीं कर गई जी? नहीं 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 सॉरी सॉरी, नीचे वो इश्यू डेट हो। चलो भाई खैर ये सीन है कि अभी हम आहत को वॉशरूम से वो आ जाए, पता नहीं भाई कब आएगा, मुझे नहीं लगता आएगा, मुझे लगता फ्लश हो जाएगा खुद भी। या लो, या
दिमाग के भी स्क्रू होते हैं क्या? होते तो हैं। लेट्स जस्ट टेस्ट गाइस। ये नीचे ना ये हमारा ये पता नहीं क्या मसला है, इसको ये बंद कर देते हैं। हम लोग रात भर सो नहीं पाते हैं, रात को 2-2 बजे तक भी ऐसे ही बजाता रहता है, पता नहीं क्या ही मसला है। वो नहीं दिखाओ ना, बीमारू वाली शक्ल है यार मेरी। वो तुम्हारी शक्ल वैसे भी ऐसी ही रहती है। अभी हमने हाथ को उसकी वाइटमिन दी है, सीरप दिया है दवाई का, ऊपर तो दे। बहुत बीमारू वाली शक्ल है यार। अच्छा इधर देख तो, वो तो प्यारा लग रहा है यार सच्ची में, इधर देख। चलो अभी चलता है। अच्छा गाइज अभी हम तैयार होते हैं, चलते हैं। तुम अभी शलवार पहन रहे हो? रोना आ रहा है मुझे बात बात पे आज। मेरे सर में बहुत दर्द है हर 2 दिन से, अब ठीक हो जा, मुझे लग रहा है मैं बीमार पड़ूंगी, मुझे बुखार नहीं होता। अच्छी औरत हूँ मैं, पता है बोलते हैं कि बुखार ना और जहन्नुम की आग होती जो तेरे ऊपर बरस रही है। गुनाहगार आदमी, सबसे बड़ा गुनाह तो तेरा यही तूने मुझसे शादी करी है, अब जिंदगी भर इस अजाब में रहना पड़ा। आ गई बात समझ? पीछे कहाँ चुप रहा है तू, मुर्तसिम क्यों बना हुआ है? अबे कपड़े दे दो यार, एक हफ्ते से कपड़े पहने हुए मैंने ये वाले। अभी तो पता गोरा है यार, दिखा बात तो सुन। क्या बोलूं, हिम्मत नहीं है जान, ऐसी चिड़चिड़ी मैं होती हूँ। अच्छा बात सुना, नॉलेज का तो जितनी बर्थडे पे क्या चाहिए? आराम करना है मुझे अपने बर्थडे। बात तो सुन गाइस, ये आदमी रात को 2 बजे सोया और शाम में 5 बजे उठा है। खैर अभी हम लोग चलते हैं, पहले मैं तैयार हो जाती हूँ। कमीज शलवार दूँ? आज यार तुमने मुझसे इन 5 दिनों में बहुत काम करा लिया, मेरी आवाज़ भी ख़राब हो गई है। शलवार अलमारी से उठा के मेरे हाथ में देने, बाकी सारा काम तो मैं ही करूँगा, इस्त्री करने को थोड़ी बोला। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है जान, मेरी जान मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। इसको थोड़ा टेंशन अपने होठों की दिखा, क्या हुआ है होठ पे दिखा, होठ पक गए हैं, पूरा चेहरा पीला पीला। आज तुम्हें याद है आज शादी के बाद मुझे बुखार चढ़ा, नहीं शादी से पहले चढ़ा था मुझे, मुझे यहाँ पे वो दाने भी कर तो बुखार की वजह से। बुखार की वजह से होता है नहीं, स्किन पक जाती है इंसान की, जब ज़्यादा एक चीज़ है तुम्हें कोई चीज़ तपिश दे रही है तो वो जलेगी नहीं जलेगी। और मैं तो बहुत बुरा हुआ था, इसके ऊपर ना वो वाली ट्यूब लगा जो मैंने लगाई थी, क्लीन शेव कर देते जाओ, क्लीन शेव कर देते फिर तुझे दुपट्टा वट्टा बना के बाल भेज दी, धंधा अच्छा चलेगा। वो मीम में जब भी देख रही हूँ ना वो वाली वो फूड ब्लॉगर वाली मुझे इतनी ऐसी आ रही है। सर तुम्हें हर चीज़ का पहले से पता कैसे होता है, पूरा टाइम यही करता हो तुम, फालतू है। कुछ हो ना हो मुझे इन बारे में सब पता होता है। आपने तो नहीं बट मैं आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। मैंने तो खिदमत नहीं की, बस अपने काम अपने खुद किए, ये खिदमत की आपकी, थैंक यू सो मच। फिर इससे कि बर्तन किसने धोए? अबे खाना कब खाया है मैंने जब बर्तन तू धोएगी? बर्तन नहीं, आप मुझे ये बताओ मैंने खाने कब खाए? मैंने अपने लिए तो बनाया था ना। मैंने तो खाना ही नहीं खाया जो बर्तन आप दोगी। क्यों मैश पोटैटो नहीं बना के खिलाए थे? चलो गाइस मैं इसको कपड़े देती हूं। कौन सी 28 है? इससे कम होगी? इससे थोड़े से कम होगी, हो जाएगा बाकी डाइट में हो जाएगा। अच्छा कलर इसमें कौन कौन से? ग्रीन तो हमारे पास ऑलरेडी है, ग्रीन है। अगर इसमें मिल जाए आगे वाली वाइट कलर नहीं, आई थिंक वाइट बहुत ऑफ हो जाएगा। अच्छा ब्राउन अपने पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा देगा, ब्राउन के शर्ट्स का ऑप्शन, शर्टों की बहुत सारा ऑप्शन दे रही है। ये अभी हम ये ले रहे हैं। अच्छा मैंने आपको बोला कि ये ब्राउन से ले छोटा है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। मुर्तसम का साइज टी शर्ट्स वाले सेक्शन। अच्छा हाँ बात सुन, ये तुम्हें एक बात बताऊँ, ये तुम्हारा प्री बर्थडे,
मैं अपनी बर्थडे पे तुम्हें इतने सारे से दिखाने चाहिए। क्या दिखाऊं? टी शर्ट इस टाइप की दिखाऊं? नहीं, प्लेन में दिखा दे। प्लेन कॉलर वाली बताएं। कॉलर सेम कलर चाहिए वो भी? हाँ, उसमें भी सेम कलर। गाइस आज मेरी कॉपी कर रहा है शिफ्ट में, ब्लैक में भी है, बट ब्लैक कार पर मुझे कुछ सूट नहीं करता। ओके, दिस वन इज आल्सो नाइस। इनके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। ब्लैक भी सही है, ब्लैक भी सही है। ब्लैक हमने लास्ट टाइम पहनी थी। तुम्हें तो इससे अच्छा मुझे तो वो वाली शर्ट लग रही है। नहीं भाई मैं, ओह नाइस, तुम ले लो अपने लिए वाइट। ब्राउन पे ब्लैक कुछ ऑफ लगेगा। वाइट ही अच्छा है। लेकिन मैं चाह रही हूँ मैं कुछ औरतों के सेक्शन से ही लूँ, मर्दाना कपड़े पहना रही तो मैं अच्छा। मुझे तो ना लार्ज साइज ही चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुली हूँ, इतनी भी खुली ना। हाँ जैसे ये तो मेरे लिए भी लॉन्ग, ये मेरे लिए तो लॉन्ग है। अच्छा एक सेकंड ये पकड़ो। अरे ये नाइट सूट तो मेरे पास, ये दिखाऊं? ये अच्छी लग रही है। ऐसे में हाथ की मेरे को चॉइस नहीं है, ये तो ब्लैक है ना, वाइट नहीं कुछ ऐसा। यही मीडियम है पीछे, ये तो आपका है ना? हाँ बट ये आई थिंक ये यूनिसेक्स है, इसको भी पहन सकता है ये, तो अच्छी तो लगेगी। और देखो इसके ऊपर तुम्हारा फेवरेट वो भी बना है। तो फिर तुम अपने लिए कौन सी ले रही हो? ये तो बहुत ज़्यादा लार्ज, ये तो वो भाई एक्सेल, डबल एक्सेल। पता नहीं बैठे बैठे बलू को क्या हो गया, प्री बर्थडे का करवाना शुरू कर दिया। नहीं इसको रुक दो, इसको रख दो, वाला तो मुर्तसिम के लिए लेना है तो ले लो। आज उसका अच्छा लगेगा। नहीं बलू रख दो, ये वाली टी शर्ट सही है, बिल्कुल बेस्ट है। तो मुझे बिल्कुल मलंगी बना के लेके जाते ही अच्छी लग रही है। नहीं ये ठीक नहीं है, घर के लिए कैजुअली चाहिए तो फिर ठीक है, बाहर जाने के लिए मैंने ड्रेस लिया है। भले कर लो, इन चीज़ पर माइंड करना है। डिनर के लिए मैंने ये वाली शर्ट ली है, वो वाली थोड़ी पहन सकते हैं। अगर वैसी कैजुअली लेनी है घर के लिए तो ले लो। जैसे कार्गो हो गई और ये दो शर्टें हो गई। गाइस अभी आज ब्लिंक पे गया है, आई पेड दैट मनी। ओके फिर पता नहीं क्यों मुझे ना ये शॉर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं शॉर्ट्स पहनती नहीं हूँ, मैं घर में भी नहीं पहनती, आहत पहनता है। लेट्स सी, ये स्टोर काफ़ी अच्छा है। आई डोंट नो इफ यू गाइस एवर केम हियर, बट दिस स्टोर इज गुड गुड। जीन्स देख क्या देख रहे हो? 180 तुम्हें लेनी? 180 रुपीस क्या पैंट? पागल हो क्या? 180 रुपीस 70% ऑफ है इसमें, ले लो, अच्छी बात है यार। इसमें निकालना जरा हमारे साथ, मेरा साइज नहीं निकालना प्लीज, अपने लिए निकलवा लो। तो बाहर आ चुके, हमने सब ले लिया है सामान, और फजूल में इसका तो फ्री में चीजें आ जाती हैं, इसके लिए मुझे लेना नहीं था यार। इतना प्यारा ट्रैक सूट था यार इसका। आज बच्चों पार्टी से भी कितने सारे कपड़े लिए हमने इसके, हमने भी इसके इतने सारे कपड़े लिए, कितने की 15,000 के हमने इसकी शॉपिंग करी है। अभी फिर से सबसे ज्यादा महंगा इसी का सूट आया है। और गाइस मैं आज तो पूरे महीने का पूरे बर्थडे के वीक सेलिब्रेट करती हूँ, अच्छी बीवी हूँ मैं, और कोई मेरी बर्थडे सिर्फ 12 बजे फूल ला के ही मनाता है, बदतमीज कहीं का। बोला ना इस बार की बर्थडे तुम ऐसी होगी ना कि तुम 10 साल तक भूलोगे नहीं इस बर्थडे को। सही बात है, ये बोल कि 10 साल तक ऐसे नहीं भूलूंगी, हॉस्पिटल में बीमार पड़ी होगी।
भाई आज मेरे सर में बहुत तकलीफ है, आज अब तुम सही हो जाओ बेटा, बहुत ज़्यादा हो गया है। गुड, चलो गाइस चलते हैं। अभी चाचा बोल रहे हैं बच्चे ये फ़ोन ना तेरे ऊपर ही ऊपर मारूंगा, चाचा मुझे इतने गुस्से से देख रहा है। कोई बात नहीं, हम अपना काम नहीं रोकेंगे गाइस, ऐसा हो नहीं सकता, हम कहीं जाए मेरा मियाँ जो है ना बीमार ना पड़े। यहाँ इस भुक्कड़ को हमने ये दे के बिठाया है, ये अपनी पापड़ खा रहा है। और हाँ शर्माता तो रहते हैं, उसकी लड़की देखने आए हैं, खाने तो यार बहुत भूख लग रही है उसको। तो अभी जो है ना राहत के लिए हमने जोशांदा मंगाया है ग्रीन टी के साथ, वो आ जाए पी के फिर घर जाते हैं, क्योंकि घर पे लाइट नहीं थी इसलिए हम डायरेक्ट घर। तो गाइस हम लोग घर पर आ गए थे और सारी चीज़ें हो गई थी घर आते के साथ ही, लाइट नहीं थी इसलिए हमने फ़ौरन से व्लॉग नहीं बनाया, इसी वजह से थोड़ा वेट किया। और ये मेरा चिंटू अभी कुछ खा पी रहा है, अभी भी स्नैक टाइम चल रहा है इसका, अभी स्नैक टाइम के बाद भी इसके लिए हमें सूजी का हलवा बनाना है, रात में हम इसको वो देते हैं क्योंकि अंडा ये अभी नहीं खा रहा और उसको दांत भी निकल रहे हैं ना, तो ये बहुत पिकी हुआ है, पर सूजी का हलवा ये कि ये मज़े से खा रहा है, हम इसको अभी वही खिलाएँगे। एंड ये देखो क्या करते हैं, अभी मुझे किचन भी साफ़ करना है, बर्तन भी धोने हैं, बहुत सारा काम है इसी के साथ। हमें डीप फ्रीजर से हम दही निकाल देते हैं क्योंकि गाइस आज का दिन बहुत हैक्टिक था, क्योंकि आहत बीमार है तो मतलब कोई कोई नहीं होता है, किसी चीज़ में दिल ही नहीं लग रहा है बस। और दूसरी बात, मैंने अभी आहत को मोबाइल दिया था, मैं उसको अभी भी स्टिल कन्वेंस कर रही हूँ व्लॉग्स के लिए, बिकॉज मैं पर्सनली कुछ कमेंट्स थे कि आपसे अच्छे व्लॉग्स आहत भाई को होते हैं, मैं ये बात बिल्कुल एग्री करती हूँ, मेरे अंदर कोई एनर्जी कोई फन नहीं है। आहत एक डिटेल में व्लॉग्स बनाते हैं कि व्लॉग्स एक्चुअली डे व्लॉग्स होते हैं, मैं बहुत ऑफ व्लॉग बनाती हूँ। अगर से तो ना मैं खुद भी बोलूँ तो मुझे आहत की व्लॉगिंग बहुत पसंद है, मुझे वो मेरा फेवरेट व्लॉग है। तो इसी के साथ आई होप आप लोग भी कमेंट करें, आप लोग भी सपोर्ट दिखाएं कि वो वापस व्लॉग्स करना स्टार्ट करें, बिकॉज भाई साहब मुझसे ना हो पाएगा। एंड गाइस प्लीज़ आहत के लिए दुआ करें, आपके घर पर अगर कोई बीमार है अल्लाह पाक उनको बहुत शिफा दे, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और बहुत बाहर निकलें मास्क पहन के निकलें, डस्ट सारी चीज़ें, कराची में इतना सब कुछ है ना कि बंदा पता नहीं क्या करे। एंड गाइस इसी का ब्लॉग यहीं पे करते हैं, एंड आई होप आप लोगों को ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और दूसरी बात, अभी हमने इस ड्रेसिंग के साथ एक्सेसरीज शूज़ और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है, तो हम वो भी देखेंगे। एंड आपको ये सीरीज़ भी बहुत पसंद आएगी, फाइंडिंग क्लोथ ड्रेस इन आवर बजट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे बजट में हमें कपड़े मिलते हैं बहुत मुश्किल होता है, तो मैं आप लोगों को बजटिंग के अंदर कपड़े दिखाऊंगी कि हम कहाँ से ले सकते हैं। दूसरी बात, इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं, एंड आप लोग जाएँ सब्सक्राइब करें और बहुत सारी दुआएँ दें, अल्लाह पाक आप लोगों के लिए सारी परेशानियाँ दूर करें, आप लोगों की भी मुश्किल आसान हो। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, कमेंट के अंदर आपकी दुआएं, आपका ओपिनियन सब कुछ चलेगा। इसी के साथ कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।